इस समाचार के प्रायोजक हैं द परफेक्ट मिशन कंप्लीट सेंटर फॉर सीटीईटी एसटीईटी टीईटी बाय राजीव रंजन पावर हाउस चौक मारीपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ करने हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला के 385 पंचायतों में से एक झपहा 02 पंचायत में। झपहा 02 पंचायत का ये झपहा बाजार है जहां का नज़ारा आपको हम पहले दिखा देते हैं। ये झपहा बाजार का इलाका है, चारों तरफ दुकानें हैं और छोटी मोटी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बाजार है, ग्रामीण बाजार है। पूरा इलाका देखने के बाद आप इस इलाके के इस पंचायत के बारे में एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम सीधे पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जाकर ग्रामीणों से बात करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के 385 पंचायतों में मुशहरी प्रखंड के झपहा 02 पंचायत की कुल आबादी करीब 15,000 है। यहाँ लगभग 7,500 मतदाता हैं। इस पंचायत में वार्ड की संख्या 13 है। 6 स्कूल हैं जो कि चालू हालत में हैं। वहीं एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो बंद पड़ा हुआ है। इस पंचायत का मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त है, बल्कि ग्रामीण सड़कें ठीक ठाक हैं। पंचायत के कुछ क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं। पंचायत के मुखिया हैं अनंत लाल शाह, सरपंच मोहन बिहारी पंडित और पंचायत समिति मीरा कुमारी हैं। मिला जुला कर ग्रामीणों को इस पंचायत में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं कुछ क्षेत्रों में काम बाकी है जिस पर कार्य चल रहे हैं। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ करने हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी प्रखंड के झपहा 02 पंचायत में। झपहा 02 पंचायत का ये देखिए आप पंचायत सुविधा काउंटर है यहाँ पर, जहाँ पर लोग हैं कुछ, यहाँ पर ग्रामीण भी हैं, उनसे हम बात करेंगे सीधे सीधे। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 5 साल में मुखिया जी ने क्या क्या किया है, 5 साल में इस पंचायत में क्या विकास कार्य हुए हैं, सब पर हम सीधे जनता से बात करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही है पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ। एक मिनट, आप बताइए कि 5 साल में विकास हुआ है इस पंचायत? बहुत अच्छा विकास हुआ है 5 साल में। अभी तक जो भी हुआ है काम, जो इससे पूर्व कोई भी थे वो तो हम लोग देखे हैं, लेकिन उससे बहुत अच्छा हुआ है। सार्वजनिक रोड, जल नल पानी का, शौचालय का पेमेंट, ये सब बहुत ही अच्छा हुआ है। ये सब काम बहुत अच्छा। खुश हैं आप लोग मुखिया? अच्छा, खुश है हम लोग एकदम। जो है कि जनता के भी मूव है कि रहे एक बार और। चलिए, तो विकास, जैसा कि ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है, विकास कार्य हुए हैं, एक बुजुर्ग है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि विकास उकास हो रही है? खूब हो रही है, खूब विकास हो रही है। सब रोड बन रही है, बिजली लग रही है, पानी उनी सब तो 5 साल में विकास भेल है मुखिया से। हाँ, भेल है। वृद्धा पेंशन मिले? हाँ मिले, वृद्धा पेंशन मिले, राशन उशन सब मिले? हाँ राशन मिले, वृद्धा पेंशन इन्हें मिलता है, राशन भी मिलता है। देखिए, हमारी माताएं बहनें उधर हैं कुछ, उनसे हम सीधे बात करेंगे कि इंदिरा आवास ही सब मिल रही है, घर उर मिल रहा है, इंदिरा आवास मिल रहा है, सब कुछ मिल रही है, मिल रही है, सब कुछ सही चल रहा है। जो बाकी से फिर मिले वाला है 6,000 सर मिल रही है, 500 बना ले रही है, वो मिल रही है। अभी परिवर्तन में आगे भी बढ़ रहा है। अच्छा, विकास मतलब हो रही है? हाँ भेल है, अभी होता है। चलिए, विकास हुआ है कह रही हैं। एक और बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे पूछेंगे क्या इंदिरा आवास ये सब आप लोग को मिला है? हाँ मिला है। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। राशन वाशन सब? हाँ राशन सब मिलता है। सब कुछ मिला जुला के सरकारी योजना मिल रहा है? हाँ सरकारी योजना सब मिला, वृद्धा पेंशन मिला है, इंदिरा आवास भी मिला है। हाँ, कथी कहें, राशन भी मिला है महीने महीने। चलिए, शौचालय बनवाए हैं? नहीं, शौचालय के पैसा मिला हुआ है, अब बनेगा। अच्छा, मतलब कि देखिए आप ही लेट हैं।
जहाँ लिए हुए बनावेंगे, अब आया ना पैसीजन, अब बनावेंगे कुछ, हाँ ईंटा गिराए हुए बनेगा। चलिए यहाँ देखिए शौचालय का पैसा मिल गया है, शौचालय का पैसा पहले मिल गया है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, हमने कई पंचायतों में हम घूम चुके हैं, वहाँ शौचालय बनवा चुके हैं लोग, लेकिन पैसे नहीं मिले। यहाँ पैसे मिल चुके हैं, आप लेट हैं, बनवा लीजिएगा शौचालय। माताएं बहनें हमारे साथ, बहन जी एक मिनट इन्हें आओ ना, बताओ बताओ सरकारी योजना के लाभ मिले या सब चीज? हाँ सब कुछ मिले, इंदिरा आवास सब मिल रही, सब मिल गया, शौचालय के भी पैसा मिल गया, बनवा ले ली शौचालय, शौचालय सब बनवा ले ली, हर चीज मिले। चलिए देखिए ये भी हमारी शौचालय इन्होंने बनवा लिया है, इनके लिए एक बहुत अच्छा धन्यवाद हम आपको देते हैं कि समाज के विकास में, समाज को विकसित करने में, सुरक्षित करने में एक बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि उन्होंने शौचालय बनवा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि बाहर में शौच ना करें, शौचालय बनवाए उसके लिए अनुदान मिलता है, और देखिए बहन जी ने शौचालय बनवा लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सब योजना मिलता है, राशन वाशन सब टोटल सामान मिला है, तब ना घर बनाए हैं, हम लोग तो गरीब है, इंदिरा आवास नहीं देते तो हम लोग तो कहाँ से बनाते, सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी नहीं है। अथी मिलता है राशन, तभी महीने महीने मिलता है, महीने महीने राशन मिलता है, अच्छी बात है, सब कुछ मिलता है। आप लोगों का घर वर बना, इंदिरा आवास ये सब मिला? इंदिरा आवास मिला, बाकी शौचालय के पैसे नहीं मिला। अच्छा शौचालय बनवा ली? नहीं बनाए अभी, पैसा घूमे कुछ कहके उतने मिला उतने बनाए, अभी इंदिरा वो शौचालय नहीं के सोचे हैं कि देगा तो कुछ वही फेंट के बना लेते, नहीं मिला है तो नहीं बना। राशन वाशन मिलता? हाँ ये सब मिलता है, सब कुछ मिलता है। रोड वोड ठीक है? हाँ सही है, तब लोग चलबे करे। चलिए देखिए बउआ खेल रहा है गेहूँ में, गेहूँ है कहे गेहूँ में खेला ही छा, वाह। और मिल रही सब चीज, इंदिरा आवास ही सब आप लोग को मिला? हाँ खाली इंदिरा आवास नहीं मिला, शौचालय के पैसा नहीं है। शौचालय के पैसा नहीं मिला? शौचालय बनवाए हैं? नहीं अभी पैसा आई नहीं तो कहाँ से बनाएंगे। चलिए कुछ 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 लोगों की शिकायत है शौचालय का पैसा नहीं मिला है, हालांकि मुखिया जी देखेंगे और शौचालय का पैसा दिलवाएं जिससे कि लोगों को परेशानी कम हो। ये पूरा ग्रामीण परिवेश, यहाँ पर देखिए कच्चे पक्के मकान है और गाय भैंस चारा खा रही है। यहाँ पर एक और हमारे साथ बाबा हैं, सुनिए भैया 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 क्या विकास उकास पंचायत में आपके हुआ? विकास तो जो हो रहा है सर शुरू से हो रहा है, हम तो पांच मुखिया को देखे लेकिन पांचों का तो वही रवैया देखे, विधायक को देखे तो वही विधायक वही रवैया देखे कि दारूए बेचता है, संसद में देखते हैं मुख्यमंत्री है तो वही रवैया में चलते हैं, है? उनका कर्मचारी है तो वही रवैया में चल रहा है, जनता को बात कोई नहीं सुनता है, आज तक कोई नहीं सुना है, दारू बंद हो गया लेकिन नीतीश जी के हुकूमत में दारू अभी चलिए रहा है, कहाँ दारू बंद हुआ कहीं? एगो हम नहीं पीते हैं ठीक है लेकिन दारू तो फ्री है। बहुत बड़ा मुद्दा शराबबंदी का, शराबबंदी तो है, शराब मिलती है, हालांकि अभी हम पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, 5 साल के विकास की समीक्षा हमने झपहा 02 पंचायत में की, हालांकि यहाँ अभी न्योरी में है हम लोग, और लोगों से हमने बातचीत की। एवरेज अगर मिला जुला कर बात करें तो सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को मिला है, इंदिरा आवास मिला है, राशन हर महीने मिलता है जैसा कि लोग कह रहे हैं, सड़कें भी यहाँ की जो ग्रामीण सड़क है उसकी हालत ठीक ठाक है, तो आप कह सकते हैं कि मिला जुला के यहाँ पर स्थिति ठीक है, सामान्य है, ग्रामीणों को उनका हक मिल रहा है। शौचालय में के पैसे में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लोगों का कहना है कि किन्हीं को मिल गया है किन्हीं का बाकी है, हालांकि उसको भी अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो पंचायत मिला जुला कर ठीक ठाक स्थिति में है। तो पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ में, आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी ब्लॉक झपहा 02 पंचायत में ग्रामीणों की राय ले रहे थे, ग्रामीणों से विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे, आगे भी हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा, तब तक बने रहें अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया के साथ, नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम मुखिया जी का हालचाल। मुखिया जी का हालचाल लेने हम आ गए हैं मुजफ्फरपुर मुशहरी प्रखंड के झपहा 02 पंचायत के मुखिया अनंत लाल शाह जी से बात करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 5 साल में इस पंचायत में कितना विकास हुआ, क्या क्या जनता को मिला, सभी मुद्दों पर हम सीधे मुखिया जी से पूछेंगे कि क्या विकास किया है इन्होंने। बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। बहुत बहुत स्वागत आपका भी और आपका चैनल मुजफ्फरपुर नाव का भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, विकास की बात करते हैं, 5 साल में विकास की हम बात करेंगे आपके पंचायत झपहा 02 की, तो क्या क्या अब तक विकास कार्य हुए हैं? हमारे ग्राम पंचायत राज झपहा 02 प्रखंड मुशहरी में जो भी सरकार के योजनाएं थी वो हमने धरातल पर उतारा है और सभी कार्य को हमने किया है। और जैसे में बहुत सारे काम किए हैं। अच्छा, इंदिरा आवास अगर बात करें इंदिरा आवास की, तो आपके क्षेत्र में इंदिरा आवास की स्थिति क्या है, लोगों को इंदिरा आवास मिला? इंदिरा आवास पहले था, उस समय था कि BPL सूची से ही पेमेंट होता था, जो कि 0 से लेकर 13 में श्रेणी में BPL आते थे और उसी लोगों को आवास दिया जाता था। तो हमारे यहाँ पूर्व में 1 से लेकर 9 तक ही आवास का कार्य हो पाया, उसके बाद 10, 11, 12, 13 जितना भी लाभुक थे उसमें वो वंचित रह गए। तो जितना भी लोग वंचित थे उसको हमने 2016 से और 21 के कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार प्रधानमंत्री आवास आ गया। और प्रधानमंत्री आवास आया तो जो भी यहाँ का जो लाभुक थे उनका डाटा सूची आया, उस सूची से हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हुआ। और डाटा जो है से पूरा तो एक बार में भेज नहीं पाए थे गवर्नमेंट, वो तो 200-300 डाटा ही भेजे थे, तो जो भी डाटा भेजे थे उसमें हम लोग सेलेक्ट करके दिए और हमने पास करवाए। और आप जो भी नया भी जो अभी सर्वे हुआ है उसमें लगभग हमने 1000+ ही अभी नया लाभुक को आवास के लिए सर्वे करके दिए हैं, जो वेबसाइट है प्रधानमंत्री आवास की उस पर लोड हो रहा है, आज या कल में लोड हो जाएगा उसका। अच्छा, बाढ़ प्रभावित इलाका आपका भी है, बाढ़ तो इधर भी आता है, बाढ़ में क्या अनुदान लोगों को मिला, जो 6000 रुपये का मिलने वाला था वो कितने लोगों को मिला? बाढ़ प्रभावित इलाका हमारा बहुत ही बाढ़ क्षेत्र है, जो कि हम लोग को थोड़ा सा भी पानी आता है तो सबसे पहले पानी यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, हम लोग को बाढ़ का समस्या आता है बराबर और हम लोग झेले हैं। 2017 में भी बाढ़ आई थी और 2020 में भी आई है और हमने इसको काफ़ी चुनौतीपूर्ण से इसको झेले हैं। हमको काफ़ी परेशानी हुई है लेकिन फिर भी हमने जो भी सरकार का योजना था बाढ़ का राशि जैसे 6000 रुपये का और पोलोथीन हुआ, किचन सेट हुआ, जो खाना खाने के लिए सभी क्षेत्र पर, वो सभी हमने यहाँ पे उतारे और सभी जनता को लाभ दिए। और हम लोग को थोड़ा सा परेशानी इसलिए हुआ कि हम लोग का अंचल बोछा पड़ता है, प्रखंड मुशहरी पड़ता है, और अंचल बोछा होने के कारण कितना सारी परेशानियाँ हम लोग को होना पड़ा। और कुछ लोग ऐसे हैं, 100 में तो 100 नहीं करेंगे, मान के सैकड़ा में 5-10 लोग छूट गए हैं, उनको भी कोशिश किए हम लोग कि निकले उनका पैसा, लेकिन उसका भी अभी डाटा बेस के कारण थोड़ा सा जिला में फंसा हुआ है, उसका भी पैसा अभी आइए रहा है धीरे धीरे पैसा, जिसका जैसे NPCI का जो किसी का कमी है या किसी का जो खाता उता में गड़बड़ी है, आधार में गड़बड़ी है, तो जो भी लोग बचे हैं उनका भी पैसा अभी तक आ ही रहा है। और कोशिश करेंगे कि अब बाढ़ उड़ फिर मान के चलिए, अब तो भगवान ने करी आया ऐसा विभीषण किसी को, लेकिन आता है तो हम लोग काफ़ी अच्छा से ही सराहनीय किए हैं। जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत राज झपहा में 6 किचन सेट चला है, ये गंगटी हुआ आपको, 3 नंबर वार्ड द्रोणपुर हुआ, बथना हुआ, ये आपको 13 नंबर वार्ड आपको झपहा डी हुआ, झपहा डी ही 11-12 जो रोड पर सारे लोग जो रोड कात में मन किनारे रहते हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं वो लोग भी कुछ दिन लोग रोड पर ही रहे हैं, वो लोग को यहाँ भी खाना उना का जो व्यवस्था हुआ हमने किया सरकार के माध्यम से, पन्नी पोलोथीन सब दिए, जनरेटर वनरेटर जो होता है वो दिए चलवाए अपना से, और जो भी सारी सुविधा था हमने दिया। ये प्रखंड और अंचल अलग अलग होने से आपको परेशानी पेमेंट में कुछ परेशानी हो जाती है? काफ़ी परेशानी हुई है, मान के चलिए हम लोग का जो झपहा जिला पूरा मुजफ्फरपुर जिला में झपहा 2 है, हम लोग को 2 झपहा हुआ मुशहरी प्रखंड ब्लॉक में, जो विकास कार्य हम लोग मुशहरी से देखते हैं, और आपदा के कारण अंचल बोछास होता है, एक बोछहा प्रखंड में भी एक झपहा आता है जो झपहा 5 है,
तो हुआ क्या कि झपहा 5 और झपहा 2 के कंपेनियन में हम लोग को जो अंचल बोचहा पड़ता है वो लोग को काफ़ी हम लोग को परेशानी होती है, और रसीद उसीद भी कटाने में, दाखिल खारिज कराने में बहुत सारा परेशानी, उसको कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग को प्रखंड और अंचल एक जगह हो जाए, हमने भी ऊपर में माननीय जो भी विधायक महोदय है इससे पहले उनसे भी बात किए, सांसद जी को भी लिख करके दिए, लेकिन वो लोग को ये सब बोले तो बोले कि यहाँ का ये मैटर नहीं है, ये सब असेंबली का चीज़ है, से अभी नहीं हो पाएगा, 2026 में होगा। प्रयासरत है कि 2026 तक अगर जनता हमारे हमको मौका अगर फिर से देती है तो हम कोशिश करेंगे, मेरा वादा होगा, चाहे इसके लिए ज़मीन से लेकर सदन तक क्यों नहीं जाना पड़े मैं जाऊँगा, लेकिन अंचल और प्रखंड को एक जगह ही करूँगा। बिल्कुल, अंचल प्रखंड अलग अलग होने से बहुत सारी चीज़ों में परेशानी हो जाती है। आप देखेंगे कि जैसा कि इन्होंने कहा कि जो बाढ़ ग्रसित इलाकों के बाढ़ प्रभावित लोग थे उनके पैसे हो गए, इंदिरा आवास के हो गए, बहुत सारी चीज़ों के। अच्छा, वृद्धा पेंशन की बात करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है कि वृद्धों को पेंशन मिलता है या नहीं आपके पंचायत में समय। जी, हमारे यहाँ पंचायत में मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन पहले से जो पूर्व में है वो लोग को मिला है, और नया में हम लगभग 750 आदमी का पूरे पंचायत मिला करके नया मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन जो माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश हुआ, जिसको पहले बीपीएल परिवार को ही मिलता था, अब वो मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि जो ऐसे भी जो गरीब हैं जिनको 60 ईयर्स पूरा हुआ है उस वैसे लोग को भी वृद्धा पेंशन दिया जाए, तो वैसे नए हम अपने कार्यकाल में वैसे लोग को भी काफ़ी इस वृद्धा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन से जोड़े हैं और उनको मिल रहा है पैसा। अच्छा, आप बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के सबसे बड़ी योजना की, जल नल योजना की। जल नल योजना जो कि बहुत बड़ी योजना है बिहार सरकार की, हालांकि इस योजना में आपको हर पंचायत में कुछ ना कुछ शिकायत कमियां मिल जाती हैं। आपके पंचायत में जल नल योजना की अभी तक क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में जल नल योजना की स्थिति बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है, सभी जगह पानी चालू है, और ये तो मुख्यमंत्री क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से कराया जा रहा है, एजेंसी उनका वार्ड सदस्य के माध्यम से हुआ है, तो हम लोग इसमें सहयोग करके ग्राम पंचायत राज को जो राशि मिला है वो राशि हम लोग अस्तरण कर दिए हैं ग्राम पंचायत राज वार्ड सदस्य लोग को, और सभी वार्ड सदस्य लोग मिलजुल के काम अच्छा से करा रहे हैं, और पानी भी चालू है सभी वार्ड में चालू है। जी जी जी, एक वार्ड है उसमें थोड़ा सा अभी कार्य चल रहा है, वो भी 2 से 4 दिन में काम चालू हो जाएगा, पानी चालू हो जाएगा। ये तो जल नल योजना की भी स्थिति जैसा कि मुखिया जी बता रहे हैं कि इस पंचायत की अच्छी है, झपहा 02 पंचायत है ये। मुखिया जी, कोरोना फिर से अब पैर पसार रहा है, खबरें भी आपने सुनी होंगी कि बिहार में कोरोना के मरीज अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो अपनी जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना पहले भी आया था, अभी भी है, तो क्या आपका कार्य क्या रहा था पहले और अब क्या? हमारे यहाँ के ग्रामीण जनता है वो सब लोग जानते हैं कि हमारा नंदलाल साहब, नंदलाल साहब जो मुखिया जी हैं, कितना एक्टिव हैं कोरोना काल में। कोरोना काल अभी आएगा, उसको भी हम लोग फेस करेंगे। इससे पहले जो आया कोरोना काल उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के फेस किए, वो लाउड स्पीकर के माध्यम से हमने पूरे पंचायत में प्रचार करवाया, पूरे पंचायत में छिड़काव मैंने अपने जा कर के वर्करों रख कर के कराएं, ब्लीचिंग पाउडर छिटवाएं, उसके बाद आपको जो भी प्रवासी मजदूर आए उनको हम लोग को तो अंचल पड़ता है बोचहा, ये चीज़ आपदा से ही आना था, और आपदा हम लोग को अंचल होने के कारण कितना परेशानी होती है ये चीज़ हमने पहले भी बोल चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको हमने फेस किया, और जो भी लोग को जो भी सुविधा हो, वो जैसे कपड़ा हो, बर्तन हो, खाना हो, रहने की जगह हो, लाइट की व्यवस्था हो, सभी को हमने अपने ग्राम पंचायत राज का एक मध्य विद्यालय झपहा उदन में है वहाँ पे हमने जा करके, और सभी से जो भी श्रमिक मजदूर बाहर से आए थे सभी को हमने मान सम्मान के साथ अपना खान पान कराएँ और उन लोग को सेवा प्रदान किए। वो लोग जानते हैं, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि कितना सेवा किए हैं, और हम लोग करते ही रहेंगे, और कोरोना काल आएगा उसमें भी बढ़ चढ़ के करेंगे। मैं भागने वाला इंसान नहीं हूँ कि कोरोना से डर गया, मैं उनसे फेस करूँगा। ठीक है, कोरोना बीमारी महामारी है, खतरनाक है, मैं सब जनता से भी बोलता हूँ कि मास्क लगाएं, और मैंने मास्क और साबुन भी वितरण पूरे पंचायत में वार्ड में करवाया, और उससे जनता काफ़ी लोग खुश है। चलिए, 5 साल कार्यकाल के आपके हो चुके हैं और 5 साल बाद फिर चुनाव आ गया है, भाग्य विधाता का चुनाव जनता फिर करेगी और अपने नए भाग्य विधाता को चुनेगी या फिर कंटिन्यू करेगी जिन्होंने अच्छा काम किया है पंचायत में। तो चलते चलते
झपहा 02 की जनता से मुखिया जी क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो अपील यही माननीय जनता से करेंगे कि जनता मालिक होते हैं, वो उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, वो जिनको चाहेंगे उनको बना सकते हैं, जिनको चाहेंगे उनको गिरा सकते हैं। जनता मालिक से तो हमसे यही अनुरोध है, विनती है, आग्रह है कि एक बार हम लोग को फिर मौका दे। हमने जो काम अपने ग्राम पंचायत राज को, चाहे वो नरेगा के क्षेत्र में हो, जो जो भी रोड बनी है, चाहे वो ग्राम पंचायत के जो भी योजना है, सड़क हो, बिजली है, पानी है, शौचालय है, ये सब ही जनता को हमने प्रदान अपना से किए हैं। जो बाढ़ की राशि है उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेकर के सभी योजना हमने दिए हैं और कोशिश करेंगे इससे भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम हो। मैंने इससे पहले भी आपसे बोला कि जो मेरा प्रखंड और अंचल दो है, मेरा प्राथमिक कार्य प्राथमिकता मेरा वो है। उसके बाद एक प्राथमिकता और है कि हमारे ग्राम पंचायत राज झपहा में जो जुब्बा सनी स्टेशन है उससे होल्ड के लिए हमने संघर्ष किया और होल्ड के लिए हमने लड़ाई लड़े हैं, जो कि झपहा ओवर ब्रिज के निकट में जो है सो उसका होल्ड के लिए हम लोग DRM यहाँ एक फाइल मेरा फंसा हुआ है, हो सकता है तो उस पर थोड़ा सा आश्वासन मिला है पदाधिकारियों को। अगर जनता फिर से अगर हमको एक बार और मौका देती है तो होल्ड का भी जो प्रॉब्लम फंसा हुआ है उस होल्ड को भी हमने जो झपहा पंचायत ग्राम 02 के अंतर्गत वो जो झपहा ओवर ब्रिज के नीचे में होल्ड का जो जगह है उसको मैं प्राथमिकता लूँगा और अंचल और प्रखंड को एक करने का प्राथमिकता मेरा यही रहेगा। चलिए, दो चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी कही कि इस क्षेत्र में हॉल्ट भी बनवाने के लिए प्रयासरत हैं, जो कि झपहा 02 में पड़ेगा, शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर वो हॉल्ट होगा और उसके लिए इन्होंने बात भी की है, उसके लिए कार्य भी किए हैं। और दूसरा जो बहुत प्रॉब्लम होता भी है, प्रखंड अलग है, अंचल अलग है, तो इससे की परेशानियाँ होती हैं, तो इन दोनों को एक करने की भी इनकी प्राथमिकता होगी अगले बार। हालांकि जनता तो भगवान होती है, जनता तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि भाग्य विधाता को चुनेगी और जो विकास करेगा उसे फिर एक बार जनता ज़रूर मौका देगी। तो अभी आप देख रहे थे बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम मुखिया जी का हालचाल। मुखिया जी के हालचाल में आगे भी हमारा सिलसिला जारी रहेगा, और किसी पंचायत से और उस पंचायत के मुखिया का लेंगे हम हालचाल। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को कैमरा पर्सन संजय के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। हम जानेंगे आपसे और आपके जनप्रतिनिधियों से आपके पंचायत का विकास का हालचाल। आपके गांव में और आपके पंचायत में कितना हुआ है विकास और कितना हुआ है सरकारी काम? तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ, बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम।